हेलो फ्रेंड, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज बना रही मीठी रसभरी जलेबी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज मैं आपको जलेबी बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताने जा रही हूँ। इस तरह से जलेबी आपकी बहुत स्वादिष्ट और जल्दी बनके तैयार हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइज की कटोरी भर के मैदा लिया है। अब मैं इस मैदे में एक पैकेट इनो को ऐड कर दूंगी। एक चम्मच दही ऐड कर दूंगी। 2 से 3 चम्मच घी ऐड कर दूंगी। ये मेरी मीडियम साइज की चम्मच है। घी डालने से जलेबी कुरकुरी बनेगी और अच्छा टेस्ट आएगा। अब मैं इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। हाथों की सहायता से भी इसे अच्छी तरह से मसल लूंगी ताकि इसमें कोई भी गुठले ना रहे। अब मैं इसको कुनकुने पानी से गाढ़ा पेस्ट बना के तैयार कर लूंगी। इसमें एकदम इकट्ठा पानी नहीं डालना है। पानी को धीरे धीरे करके ऐड करेंगे। पेस्ट को लगातार मिक्स करते रहेंगे ताकि उसमें एक भी गुठला ना रहे। ये देखिए, जलेबी का पेस्ट अच्छा स्मूथ हो गया है। मैदे का पेस्ट इस तरह से गाढ़ा ही रहना चाहिए। जलेबी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पानी की खाली बोतल ली है। बोतल एकदम लूज रहना चाहिए। इस बोतल के ढक्कन में मैंने मीडियम साइज का एक छेदा कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर मैदे को पेस्ट को बोतल में भर दिया है। यहाँ पर मैंने जलेबी की चाशनी बना के तैयार कर ली है। इसे बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी शक्कर ली है और साथ ही मैं 2 कटोरी पानी ऐड किया है। चाशनी में अच्छा उबाल आने के बाद इसमें ऑरेंज कलर का फूड कलर ऐड कर दूंगी। चाशनी को हमें चिपचिपा ही रखना है, इसके तार नहीं बनने देना है। ये देखिए, जलेबी की चाशनी बन के रेडी हो गई है। अब मैं इसमें 2 इलायची कूट के डाल दूंगी। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में जलेबी बनाने के लिए तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं मीडियम तेल में जलेबी बनाने स्टार्ट करूंगी। जलेबी बनाने का तेल मीडियम ही रहना चाहिए। तेल ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा होना चाहिए। अब हम इस मीडियम तेल में सभी जलेबी एक एक करके बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, जलेबी कितनी अच्छी गोल गोल बन रही है। जलेबी एक तरफ से सिकने के बाद इसे पलट देंगे। ये देखिए, जलेबी तला चुकी है। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैं गर्मा गर्म तली हुई जलेबी को चाशनी में डाल दूंगी और इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए चाशनी में रहने दूंगी। ये देखिए, जलेबी ने चाशनी को अच्छी तरह सोख लिया है। अब मैं इन्हें अलग से प्लेट में निकाल लूंगी और प्लेट को तिरछा करके रख दूंगी ताकि एक्स्ट्रा चाशनी निकल जाए। ये देखिए, कितनी कुरकुरी और जूसी जलेबी बन के रेडी हो गई है। ये जलेबी कुछ ही मिनटों में बन के रेडी हो गई है और इन्हें बनाना भी बहुत ही आसान है। आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई करें। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।